कैसी हैं आप? ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ मून और मैं साथी फाउंडेशन में एज ए फील्ड सुपरवाइजर इंडिया से इंचार्ज हूँ। और हम लोग बेसिकली यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यहीं के रहते हैं और हम लोग एचआईवी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा मून, कैसे रहते हैं, कैसे लोग देखते हैं, इस वाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आप भी इन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, इस वाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपने खुद सारा व्यू को देखा है और देखा जाए तो ये इंसानों के रहने की जगह नहीं है। यहाँ पे तो लोग जानवर भी बेसिकली नहीं पा सकते, लेकिन जो हमारी पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जिनके कोई भी हकूक नहीं है पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान में इन लोगों को समझा जा रहा है, तो वो लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है, जो लोग अपने आप को यहाँ पर रखते हैं और अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। और इनके जो मसाइल हैं वो सर बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, आपने सारा मोहल्ला चेक किया, इनके घर चेक किए, इनके उठने बैठने के लिए जगह चेक किए, यहाँ पर रहना मेरे हाल एक कभी भी कोई इंसान यहाँ पर ज़िंदगी बसर नहीं करता जिस हालात में ये बेचारे रहते हैं, ठीक है। अच्छा मोहन, ये जो गुरु है, गुरु और चेला ये कैसे बनते, थोड़ा सा ये गाइड भी कर दें ताकि नाज़रीन को पता चले। सर जैसे देखा जाए ना, एक माँ और बाप बनता है ना, इसी तरह गुरु चेले का भी कल्चर था हमारा, ठीक है, और सदियों पुराना हमारा कल्चर है, ठीक है। हम उस कल्चर के ख़िलाफ़ तो बात नहीं करते, लेकिन वो देखे ना, एक उस्ताद होता है, एक शागिर्द होता है, हर स्कूल में, हर मदरसे में देखा जाए उस्ताद स्कूल वाला सिस्टम है ना, इसी तरह हमारे अंदर भी उस्ताद स्कूल वाला एक सिस्टम है, उसको हम गुरु कल्चर में यानी कि हम उसको गुरु या कल्चर वाला नाम देते हैं, ठीक है। तो हमेशा उस्ताद अगर अच्छा हो तो बच्चों की सोहबत भी अच्छी होती है, ठीक है, ये तो डेफिनेटली बात है ना। अगर उस्ताद बुरा हो तो बच्चों की सोहबत भी बुरी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है उस्ताद कभी भी बुरा नहीं होता, जो अपने बच्चों को बच्चों जैसा समझता है और उनको हमेशा अच्छे तरीके से ही गाइड करता है। आगे चलते हैं, आगे जो घर विज़िट करते हैं, घर कैसे हैं, चलें अंदर से विज़िट करते हैं घर के बाहर से। आपने तो देखा गलियां कैसे हैं, इनकी रहने के काबिल नहीं है जगह, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से ये इधर रह रहे हैं। अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं, ये देखें जी ये घर है, और ये देखें अपना कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे, ठीक है, शुक्र अल्लाह का जी। आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं ठीक। अच्छा थोड़ा सा गाइड कर दें अपने रेलेवेंट के, क्या क्या मसाइल हैं और ये इलाका कौन सा है? ये जी सत्याना रोड, टूल टैक्स। अच्छा टूल टैक्स सत्याना रोड, आपके कौन कौन से मसाइल हैं, लोग कैसे देखते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं, अच्छे भी होते हैं, अच्छा ऐसे होते हैं, गलत भी होते हैं, मुझे तंग भी करते हैं, डांटते भी हैं, अच्छा जलालत भी देते हैं मुझे, क्या करें फिर, मजबूर हैं। ये माँ बाप के पास गुरु होता है हमारा बस, जो अगर जुल्म करे उसका दिल करे तो फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं, अगर प्यार भी करे तो फिर भी गुजारा करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है गुजारा करना, अगर गुरु की कैन कार पे ना चलती है तो गुरु हमें सजा देता है। अच्छा वो कह रहे थे आप गुरु के रेलेवेंट बता रहे थे कि वो सजा भी देता है आपको, आप बर्दाश्त करते हैं, अगर हम उसके कैन कार पे ना चलें, अगर उसकी ख्वाहिश ना पूरी करें, उसको कुछ ना दें, ऐसा होता है कि वो हमारा हुक्का पानी होता है वो बंद कर देते हैं गुरु, मुझे कोई शहर का खाजा सरा नहीं मुँह लगाता, कोई बात नहीं करता, अगर कोई मुँह लगाएगा तो उसको पैसे वो कहेगा ना 5 लाख, तो 5 लाख देना पड़ जाएगा उसको। अच्छा हाँ जी, वो ऐसे होता है कि वो हुक्का पानी जब बंद कर देते हैं गुरु हमारा, मुझे कोई सलाम भी नहीं लेता, कोई बात भी नहीं करता, हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर हमारी मजबूरी होती है कि हम गुरु के साथ सुलह करते हैं, अगर गुरु के साथ सुलह ना करें तो फिर कोई किसी के पास हम नहीं रह सकते, नहीं तो गुरु चेंज ही नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करेंगे तो वो गुरु पहले वाले पैसे लेगा, 5 लाख लेगा, जितने वो बोलेगा कि मेरे चेले का हुक्का पानी है जो वो बांध मैंने कर दिया है हुक्का पानी, 5 लाख। अच्छा अगर मैं किसी और के साथ अगर चाहूँ जाना चाहूँ तो वो 5 लाख वो देगा। सही है, कैसे गुजारा करते हैं थोड़ा सा ये बता दें। बस जी बहुत मुश्किल गुजारा करते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। वालदेन किधर रहते, वालदेन इधर रहते हैं? बागपतन में रहते थे, वालदेन मेरी फौत हो गई, वाले जिंदा हैं, वो भी हमारा ख्याल नहीं करते, भाई हैं वो भी नहीं ख्याल करते। अच्छा क्या मैसेज देंगे वालदेन को या लोगों को अपने रेलेवेंट? कुछ भी नहीं, बस गुजारा करती हूँ, कर कुछ नहीं सकती हूँ, अगर वहाँ पे वो जुल्म करेगा उसको क्या कर सकती हूँ। मैसेज तो दे सकते हैं कि जी ऐसा ना करें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें साथ। वो नहीं सुनता, कोई हमारी सुनता ही भाई हैं, उन्होंने तो मुझे कभी पूछा ही नहीं किस हाल में हो, भूखे हो, प्यासे हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, वो हमारी वालदा थी वो पूछती थी। अच्छा वो मेरा ख्याल करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, अब एक माह हो गया वालदा मेरी फौत हो गई है, अब बस ऐसे ही है कि रोज़ होके ज़िंदगी गुजारी हूँ, मेरा हाल देख लो कि अब क्या हो गया, तकरीबन साल पहले मैं इससे
बेहतर थी, आप देख लो परेशानी की वजह से, गुर्बत की वजह से डाउन हूँ। अच्छा जी, इधर इलाके में पहुँचे हैं, इधर हमारे साथ मीरा मौजूद है, इनसे जानेंगे इनके जो मसाइल हैं, क्या क्या मसाइल हैं इनको दरपेश, लोग कैसी नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, ठीक हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मीरा, अपनी क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से तल्लक़ रखते हैं, आपको पता है कि लोग कैसी नज़र से देखते हैं और इनके मसाइल थोड़ा सा बता दें जी। देखिए, जब तो हम जवान होते हैं, जवानी होती है, तो हम फंक्शन वगैरह करते हैं, लाखों हमारे परस्तार होते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता है, थोड़ा सा एजड हो जाते हैं, तो फिर लोग कम लाइक करते हैं, तो उस लिहाज से जब फिर वो हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, फिर कुछ लोग होते हैं जो गदागरी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर गदागरी में भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, जो लोग कुछ हमें मेने देते हैं, ताने देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कुछ दुदकार देते हैं, कुछ कुछ दे देते हैं, तो हमारी कम्युनिटी को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हमारी कम्युनिटी जो है ये बहुत मासूम है और बहुत इसमें मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के, तो कुछ लोग तो इतनी, अभी आपने देखा है कि ये मोहल्ला और ये इलाका ये और ये घर कैसा है, ये लोग कैसे सब्र शुक्र करके अपना वक्त गुजारा कर रहे हैं, ये भी बेचारे मांगने जाते हैं, पहले फंक्शन करते थे, अब ये मांग के अपना वक्त जो है वो पूरा करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी इनका जनाजा जायज नहीं होता, ये जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बस सुनी सुनाई बात है। जनाजा जैसे कि आम लोगों का, औरत का जनाजा होता है, मर्दों का जनाजा होता है, इसी तरह ख्वाजा सराओं का भी जनाजा होता है, और मर्दों में ही इनका शुमार किया जाता है और मर्दों वाला ही जनाजा पढ़ा जाता है। सही। और जो बूढ़े हो जाते हैं, देखो जब जॉब नहीं मिलती आपको, अब इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा जी, इनकी क्या कंडीशन, कैसे गुजारा करते हैं ये? ऐसी कंडीशन है कि देखें, पहले तो हमारी कम्युनिटी बहुत ही कह लें कि गरीब तबके की वजह से पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं, घर वाले करने, अगर जो कोई, अगर कोई, मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैं पढ़ने जाती थी स्कूल में, लड़के तंग करते थे, तो फिर भी कोशिश कर में कि मैंने थोड़ा सा पढ़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साथी फाउंडेशन में जॉब मिली है एज ए आउटरीच वर्कर। तो जो हमारी कम्युनिटी नहीं पढ़ी लिखी तो उसको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो अब साथी फाउंडेशन की मदद से हमने स्कूल बनवाया है मूर्तों के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए, कि उसमें वो आएँ और अपना पढ़ें, और फ्री उनको तलीम दी जा रही है, हर चीज़ उनको फ्री ऑफ कास्ट है, और ऊपर से उनका वजीफा भी लगा है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी कम्युनिटी पढ़े और पढ़ लिख के कुछ बन सके। जी, क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने से कमज़ोर इंसान पे कभी जोर नहीं दिखाना चाहिए, ये लोग तो वैसे ही कमज़ोर होते हैं, इनके ऊपर आप क्या अपनी बहादुरी दिखाओगे। हमेशा इंसान को चाहिए कि ख्वाजा सराओं का ख्याल करें, अगर कुछ दे नहीं ना सकते तो प्लीज़ इन्हें बुरा भी मत कहें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है मीरा ने कि अगर इनको कुछ दे नहीं सकते तो इनको तंग ना करें, बुरा ना कहें। इनके हालात आप देखें, ये देखें जी, कच्ची गलियां हैं और हर तरफ जो है ना गंद पड़ा हुआ है, ये देखें घर हैं, लॉक लगे हुए हैं, ये अभी कुछ गए हुए हैं, ये पूरा इलाका जो है ये इनका ही है, और इधर जो टीजीज़ वगैरह रहते हैं। चलें आगे चलते हैं, आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं।